हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए, रैम और रोम दो मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो रोम होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी बेसिक क्वेश्चन है, बट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है WWW का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है। तो ये क्या होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, इंक जेड प्रिंटर दे रखा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, ये होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में दिए जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या कैलकुलेशन। तो देखिए, जो भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो कहलाता है इनपुट, और उसके बाद प्रोसेस होकर के जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD का फुल फॉर्म होता है, ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, सहायक, भीतरी, मुख्य, अस्थायी मेमोरी या बाह्य मेमोरी। देखिए, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था दो मेमोरीज होती है, रैम और रोम, जिसमें रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है, और जो रैम होता है वो जो है अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर लाइट चली जाए तो वो जो डेटा होगा वो स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है, चला जाता है। तो ये होगा रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। कंप्यूटर के सेक्शन में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है उसे क्या कहते हैं, एरर, स्टेटमेंट, सिग्नेचर या पिक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा वो होता है एरर। ठीक है, एरर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने चुंबकीय डिस्क। देखिए, चुंबकीय डिस्क होता क्या है, मैग्नेटिक डिस्क ये क्या होता है, ये कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस होती है। ठीक है, तो चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो इस पर जो परत होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है जिसको हम लोग IC भी कहते हैं, इस पर जो है सिलिकॉन की परत होती है, लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर का पितामह यानी कि जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग किसे कहा जाता है, ALU, CPU, MU या IC। तो जहाँ जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, CPU को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, ये कंप्यूटर का कंट्रोलर होता है, एक प्रकार का नियंत्रक होता है। ठीक है, देखिए, जो सारी जो कैलकुलेशन होता है वो होता है किस भाग में, ALU में। ठीक है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, और CPU का फुल फॉर्म मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MU को होता है मदरबोर्ड यूनिट, फिलहाल IC का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि मैंने आपको बताया है, या मेमोरी यूनिट भी होता है MU का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं किस में, बिट, बाइट, मीटर या सेंटीमीटर में? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट में। या इसका देखिए, पहली बात तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, ठीक है। देखिए बिट और बाइट, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ये बिट होगा। देखिए अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद कर लेनी है, बिट सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए 8 बिट मिल करके बनाते हैं 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। और 4 बिट मिल करके बनाते हैं निबल, ये भी आपको याद कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा 1024 बाइट मिल करके क्या बनता है, 1 KB, ठीक है। और ऐसे ही 1024 KB मिल करके बन जाता है 1 MB, ठीक है, यानी कि KB यानी किलोबाइट, MB मतलब मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपसे बताया था, 1024 बाइट बराबर होता है किसके? तो 1024 बाइट बराबर होता है किसके, 1 KB के। और 1024 KB जो है ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1024 KB बराबर होता है किसके, 1 MB के। और 1024 MB बराबर होता है किसके, 1 GB के, ठीक है। याद कर लीजिएगा, 1024 KB मिलकर के बनाता है 1 MB, और 1024 MB मिलकर के बनाता है 1 GB, ठीक है। और 1024 GB मिलकर के क्या बनाता है, ये बनाता है 1 TB, ठीक है, ये भी आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गणना पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार में, बहुआयामी उपयोग में या बहुत अधिक कीमत में? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार के संदर्भ में सबसे भिन्न होते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड बहुत होती है, इनकी मेमोरी भी बहुत होती है, ठीक है। इनमें जो है हज़ारों से भी ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, और सेकेंडों में अरबों खरबों ये जो काउंटिंग या गणनाएँ कर लेती हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है इसमें बताना है कौन सी जो इसमें कंप्यूटर भाषा है, तो बेसिक, फॉर्ट्रैन, पास्कल या कोबॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो ये होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबॉल भाषा किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ग्राफिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक कार्य या आर्थिक कार्य के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, कोबॉल जो है ये भाषा किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ये होती है व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ये किया जाता है प्रारंभिक सरल भाषा को सिखाने हेतु, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया, तो ये क्या है, सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसको जो है 1995 में विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा MS Word, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के तुलनात्मक कार्य को करता है कौन, जो कि भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये करता है ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CU का फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, और कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है क्या? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, पेरिफेरल या हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो हार्डवेयर कहलाती है। देखिए कंप्यूटर के जिन भागों को हम लोग छू सकते हैं उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, कोडिंग, अल्फा बाइट सिस्टम या नंबर सिस्टम, ठीक है।
देखिए आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी। ईजी सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी या कंट्रोल पी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।